हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है सैटरडे, हम थोड़ा लेट ही उठे हैं। ऑफ कोर्स कल रात को आए मूवी वगैरह देख के, फिर मैंने किचन वगैरह समेटा, देर हो ही जाता है। फिर मैंने एडिटिंग किया एंड सब कुछ करके मैं सोते सोते थोड़ा लेट हो गया था, तो अभी उठी भी लेट हूँ। और देखिए, हम उठने से पहले, जैना पहले ही सो गई थी, वो उठ भी गई पहले, नीचे से एप्पल लेके आके उसने खाया आधा, आधा भी नहीं, दो बाइट लिया और फिर यहाँ फेंक के चली गई। तो अभी वो नूडल वगैरह खाएगी और मैं करूँगी। तो मेरे नीचे चले गए हैं, उन्होंने उन्होंने भी थोड़ा एक्सरसाइज किया, फिर वो चाय बना रहे हैं, मैंने बेड वगैरह सब बनाया। तो अभी मैं भी थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगी और उसके बाद मैं अपने मीडिया रूम में एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत जगह है। वेट, Say hello. Sure. Say hello, guys. Oh, hi, guys. जाना बात कर रही है मेरी, she's my new friend, Bindi. Yeah, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर से बात कर रही है जाना। तो मैं फटाफट से एक्सरसाइज करती हूँ, फिर नीचे जाती हूँ, चाय वगैरह पीते हैं। और आज लेजी लेजी सा ही दिन रहेगा, देखती हूँ कहीं निकलती हूँ। मुझे पूजा के लिए एक दो चीजें लेना है, तो लेट्स सी हम जाते हैं कि नहीं। जाना भी थोड़ा सा सर्दी खांसी है, तो जाएंगे या नहीं देखते हैं। आज वैसे काफी अच्छा सा धूप निकला। मम्मी और एक चीज दिखाती हूँ, देखिए काफी अच्छा सा धूप निकला है, तो निकलने का भी मन तो कर रहा हूँ। लेट्स सी, और मैं हमारा बैकयार्ड दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम लोगों ने लंच वगैरह कर लिया है, चाय सब कुछ ही हो गया है, नहाना धोना भी हो गया है। अभी सोच रहे हैं हम थोड़ा निकलेंगे, और उसके पहले मैंने जो किया है, ये जो मेरा गोल्डन पोथोस, या आई डोंट नो, ये मनी प्लांट ही है शायद, बट लिखा तो गोल्डन पोथोस है। जो भी है, इसके लीव्स थोड़े बहुत ना येल्लो होने स्टार्ट हो गए थे, तो आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो रहा था। तो मुझे लगा कि शायद ये जो टब है वो छोटा पड़ रहा है या कुछ, आई डोंट नो। इसकी तो प्रूनिंग करनी वैसे भी ज़रूरी है, तो मैंने थोड़ा बहुत इसका प्रूनिंग करके पानी में भिगो के रख दिया है। देखते हैं इसका रूट्स वगैरह निकलता है कि नहीं। और भी एक दो लंबे लंबे ये है स्टेम्स है, तो आई थिंक इनका भी करना पड़ेगा। और आप लोगों के पास कोई सजेशन हो जिसके पास भी ये प्लांट है, तो आप मुझे बताना कि ये लीव्स येल्लो क्यों हो रहे हैं। ये देखिए, दो तीन लीव्स येल्लो हो गए। तो ये मैं हो गई हूँ रेडी। हम लोग अभी थोड़ा सा ऐसे ही पास में ही जाएंगे, शाम हो गया, शाम होने से पहले आ जाएंगे। और मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया, इस इंसान ने पहले शायद 12:30 बजे खाया था, अभी नहीं खा रहे हैं। आई नो ऑरेंज हेल्दी फूड। बाहर जाके हम जिसे बंगाली बोलते हैं खम खम, लेकिन ये थोड़ा खा लेते वो थोड़ा खा लेते, ये इंसान यही करते हैं सबसे ज्यादा। मैंने इसीलिए खा लिया क्योंकि मुझे बाहर कुछ भी नहीं खाना है, और जैना तो वैसे भी नहीं खाती है, बट हमारे घर में ये जो सबसे ज्यादा बाहर का खाते हैं। हम आ गए हैं वही हमारे सेम प्लेस में जहाँ हमेशा आते हैं, और आज देख रही हूँ नया फाउंटेन है। पर द थिंग इज जैना सो रही है, वरना वो भी जा सकती थी खेलने। हम आए हैं अभी एंथ्रोपोलॉजी में, ये नया स्टोर ओपन हुआ है। ये स्टोर मुझे काफ़ी पसंद है, पहले था हमारे घर से काफ़ी दूर, अभी पास में ही ओपन हुआ है नया, तो वही मैं देख रही हूँ थोड़ा। और ये बैग देखिए कितना ज़्यादा छोटा है, आई डोंट नो इसका यूज क्या है। Thank you.
और इस सेक्शन में मैं आ गई थी थोड़ा सा देखने, ये ना ब्राइडल सेक्शन है उन लोगों का। और ये इयररिंग्स देखिए कितना सुंदर है। और यहाँ पे मैंने देखा है ये लोग ना ज्वेलरी पे बहुत ज्यादा खर्च नहीं करते हैं। ये इयररिंग्स आई थिंक $48 का था वेडिंग पर्पस में, तो लाइक बहुत ही सस्ता है। और ये सब वो लोग बहुत ज्यादा पर्ल और ये व्हाइट स्टोन वगैरह यूज करते हैं। और ये सब है ब्राइडल ड्रेसेस, काफी सुंदर था। हाँ, ड्रेसेस एक्सपेंसिव होता है यहाँ पे, मैंने देखा थोड़ा प्राइस में चेक कर रही थी। जो ब्राइडल गाउन वगैरह है वो आई थिंक लाइक 1000 एंड अबव ही था, $1500 $2000 ऐसा था प्राइस। बट इट इज सो ब्यूटिफुल, मुझे देखना काफी अच्छा लगता है। हर स्टोर में नहीं होता ब्राइडल वेयर, इस स्टोर में मैंने देखा था ब्राइडल वेयर, तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ कितना सुंदर होता है। और इसी सेम स्टोर में ना ये और एक सेगमेंट था लाइक कैंडल्स और थोड़ा सा होम डेकोरेशन का कुशन वगैरह वो सब होता है। और यहाँ मोस्टली चीज़ें मेड इन इंडिया होती है, बट या दे आर वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड प्राइजेज ऑन द स्टीपर साइड। ये उसका क्लियरेंस सेक्शन था, उसका प्राइस भी लाइक अदर स्टोर से कंपेयर करो तो हाई ही था, बट ऑब्वियसली आप जैसा पे करोगे वैसा सामान भी मिलता है। दे आर रियली हाई क्वालिटी और काफ़ी स्टाइलिश, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो फिर मैं थोड़ा क्लिप्स देख रही थी या फिर मैंने एक लिया भी क्लिप जो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी घर आके। हम आगे और एक नया स्टोर ओपन हुआ है उसके सामने, लिली पुलित्ज़र, ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये स्टोर का एंट्रेंस देखिए, ओ यू कैन गो दैट्स फाइन। स्टोर कितना सुंदर है, ये अंदर जाऊंगी, खास कुछ लेना नहीं है। इसका एक पर्टिकुलर प्रिंट होता है, सारी चीज़ें उसी प्रिंट का होता है, तो मुझे लेना तो नहीं है बट स्टिल आई विल गो एंड सी। एंड दिस इज चाइना जो जा गई है। और बाहर सीटिंग देखिए कितना क्यूट है। ये स्टोर देखिए कितने अच्छे से इंटीरियर किया हुआ है, शैंडलियर्स तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और बैम्बू का फर्नीचर वगैरह सीटिंग करके रखा था, वेरी ब्यूटीफुल। देखिए ये इसका फिटिंग रूम है, कितना सुंदर, कूल। तो आ गए हम वापस घूम घाम के, लाइक ज़्यादा घूमे नहीं है बट थोड़ा दो चीज़ें लिया है। ये लेने का प्लान नहीं था बट पसंद आया तो ले लिया। ये एंथ्रोपोलॉजी का लिया है और ये फ्रांसिस्का करके कोई बुटीक टाइप का है वहाँ से लिया है, तो मैं दिखा देती हूँ क्या लिया। इसका पैकेट कितना सुंदर है, स्टोर भी काफ़ी सुंदर है बट बहुत कॉस्टली होता है, यानी जो ऐसे रैप भी करके दिया है। तो इससे मैंने ये लिया है, ये दो क्लिप है लाइक ये फुल एक है ये फुल एक, ओपन करके दिखाती हूँ मैं। ये ऑर्गेन्जा मटेरियल में है और ऑर्गेन्जा मटेरियल ना काफ़ी अच्छा लगता है। लाइक ऑर्गेन्जा का साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लाइक मुझे लगता है मुझ पर सूट नहीं करता, बट ऑर्गेन्जा की बाकी चीज़ें लाइक टॉप या फिर ऐसी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये एक और ये एक कलर है, मैंने सोचा था कि थोड़ा कलरफुल लूँगी लाइक रेड या पिंक ऐसा कुछ होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट यही दो कलर था तो ठीक है वही ले लिया। और फ्रांसिस्का से मैंने लिया ये इवनिंग बैग, ऐसा लंबा है। और ये ना थोड़ा सा बड़े साइज का है, मेरे पास और दो इवनिंग बैग्स है बट वो एक तो ब्लैक कलर का क्लचर है विथ स्टोन्स एंड ऑल लेस का है उसमें, और एक है रॉ सिल्क का रेड कलर का। दोनों में ना मेरा मोबाइल नहीं आता है क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा बड़े साइज का है लाइक प्रो मैक्स है मेरा, तो नहीं आता है। तो मैंने सोचा ठीक है एक बड़ा सा ले लेती हूँ, दुर्गा पूजा में जाऊँगी अभी 4 दिन, हाथ में कितनी देर मैं मोबाइल लेके रखूँगी, और ट्राईपॉड फिर चाबी एक दो कार्ड्स लिपस्टिक सब कुछ आ जाएगा, काफ़ी बड़ा सा है। और ये कुछ जूट मटेरियल टाइप का है तो मटेरियल भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे एक पॉकेट टाइप का है, इसमें कार्ड्स कैश वगैरह रख सकते हैं। और इसमें मोबाइल ट्राईपॉड आई थिंक और क्या चाबी और क्या लिपस्टिक वगैरह बिंदी
ऐसी चीजें आ जाएगी। बस तो यही दो शॉपिंग लिया और कलर्स, काफी सारे कलर्स हैं। मुझे लगता है लाइक मोस्ट ऑफ द इंडियन साड़ी या सलवार ड्रेसेस के साथ ये चला जाएगा क्योंकि काफी सारे कलर्स हैं और जूट कलर बेस है, जूट कलर उसके ऊपर सारे कलर्स का बीड वर्क है, तो आई गेस काफी अच्छा लगेगा। पीछे प्लेन है तो बस यही दो चीज लिया और कुछ नहीं। क्लिप एक मैं यूज कर लूंगी, एक जैना यूज कर लेगी, या फिर लाइक एक्सचेंज करके यूज कर सकते हैं। तो काफी अच्छा है, शॉपिंग हो गया है, दुर्गा पूजा के लिए शॉपिंग ऑलमोस्ट डन है। जैना के लिए जो ऑर्डर किया वो तो अभी तक आया नहीं, तो बस यही है। तो अभी हम थोड़ा सा कॉफी वगैरह पियेंगे और फिर क्या बात बात करते हैं, थोड़ा सा गप्पे लगाते हैं, थोड़ा सा टीवी देखेंगे। अभी तक अंधेरा नहीं हुआ है, 7 भी नहीं बजा है। कितना बजा है? हाँ जस्ट 7 बजा है। तो और कोई काम ज्यादा है नहीं। जैना को थोड़ा सा सर्दी खांसी है तो उसको रात को मैं सोच रही हूँ जो लेफ्ट ओवर है वो ना दूँ, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा रोटी बना के कुछ रोल टाइप का करके दे देती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना जब ऐसे सर्दी खांसी होती है तो बच्चों को क्यों, हमें भी ना कुछ खाने का मन नहीं करता। तो आप अलट पलट के लाइक कुछ इंटरेस्टिंग सा बना के दोगे तो वो लोग खा लेते हैं, तो वही सोच रही हूँ कुछ बना के देती हूँ उसे। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ ड्रेस वगैरह चेंज करके कॉफी बना के पीते हैं। और हाँ, और खास कुछ आज करेंगे नहीं, तो मैं सोच रही हूँ मैं अपना ब्लॉग भी आज यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। तो मैं ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।